राठौर कैसेट के माध्यम से ये आप लोगों के समक्ष प्रेम का रोग पेश है, तो आ जाइए देखते हैं प्रेम के रोग में। क्षमा करें माताएं बहनें, ये न सोचें कि ब्रजेश इस तरीका की बातें कर रहे हैं। हम वो बात बता रहे हैं जो स्त्री बदचलन है, चरित्रहीन है, वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। अर्थात आ जाइए देखते हैं एक बदचलन औरत के बारे में राठौर कैसेट के सौजन्य से। कि इस प्रेम की हर बात को, इस प्रेम की हर बात को और हर कोई क्या जाने, और जिस कान दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठोर पर वो देखते हैं कि एक बदचलन स्त्री उसने किस तरह से प्रेमी को धोखा दिया और प्रेमी की जान भी अपने हाथों से ली। तो आ जाइए बेवफा के प्यार की ओर। इस प्रेम की हर बात को हर कोई क्या जाने, और जिस कान दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठोर पर वो क्या कहीं। अब बातों को खोल कर पर रोका नहीं जाता है हालत को देख कर, नारी जो बदचलन है उसकी बात कही रहे, अपना समझ के आपको उपदेश दे रहे। हर बात में हर थाट में मस्ती में रहती है, खुद अपनी नक्शेबाजी में जो चूर रहती है, दिन भर वो कर सिंघार मौसी सामने देखती, फैशन बना के गांव की गलियों में घूमती। और मुख से गाती घूमती बदचलन स्त्री, ए मुख से गाती घूमती है फिल्मी वो गाने, और जिस कान दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठोर पर वो क्या कहीं। अब बातों को खोल कर पर रोका नहीं जाता है हालत को देख कर, नारी जो बदचलन है उसकी बात कही रहे, अपना समझ के आपको उपदेश दे रहे। हर बात में हर थाट में मस्ती में रहती है, खुद अपनी नक्शेबाजी में जो चूर रहती है, दिन भर वो कर सिंघार मौसी सामने देखती, फैशन बना के गांव की गलियों में घूमती। और मुख से गाती घूमती बदचलन स्त्री, ए मुख से गाती घूमती है फिल्मी वो गाने, और जिस कान दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठोर पर वो देखते हैं राठौर कैसेट में कि एक बदचलन के पीछे एक लड़का ने कितनी बड़ी मुसीबत उठाई, उसके बाद लड़की के हाथ से ही उसकी मौत हुई। तो क्षमा करें, सब गलत तो नहीं है, दो चार ही ऐसी होती हैं जो समाज में
अपना नाम बदनाम करने के बाद में स्त्रियों के ऊपर कलंक लगा देती हैं। ऐसी ही बद चलन की ये कहानी कह रहे, जो कुछ सुना है कान से तुमको सुना रहे। एक लड़की नौजवान जो देखन में हूर थी, और बड़ी खूबसूरत पर आदत की क्रूर थी। हित हो गया एक लड़का से शादी से पहले ही, और जहां भी बुलाता जाती उससे पहले ही। तू शादी कर दे थी ये की क्यों पागल हो रहा। उस बाप ने जा करके ये शादी भी रोक दी, कुछ दौलत दीनी पहले कुछ पीछे से भेज दी। लड़की ने ये संवाद जब कानों से सुन लिया, ये शादी नहीं है बर्बादी, प्रेम मेरा छिन गया। गांव के लोगों ने उसके बाप से जब ये कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो, तुम्हारी लड़की जवान है और उसका पैर फिसल रहा है। जब बाप ने शादी तय कर दी, लड़की ने सुन लिया कि मेरी शादी दूसरी जगह तय हो गई, तो प्रेमी के गर्दन में बांह फांस करके लड़की रोने लगी और बोली, वो हमारी शादी कभी नहीं करेंगे। एक बार बात करके तो देखो, शायद वो मान जाए। शायद, देखो तुम्हारे पिताजी हमें बहुत नफरत करते हैं, अगर हम जाएंगे भी तो वो धक्के मार के निकाल देंगे। एक बार बात करके तो देखो, शायद वो मान जाए। लड़की ने तब प्रेमी से कहा, बाप से कहो ना भागो इधर उधर, शादी हमसे ही करो। प्रेमी ने उसके बाप से जाते ही कह दिया, तुम शादी मेरे साथ करो पागल खैजिया। प्रेमी ने उस लड़की के बाप से जब ये कहा कि तुम शादी मेरे ही साथ अपनी बेटी की कर दो, तो गाली दे दे बाप ने, अरे गाली दे दे बाप ने, मारे हैं पुस्ताने। अब देश, अरे जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठौर पर वो। जिस समय प्रेमी ने लड़की के पिता से ये कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, तो बाप ने 500 गालियां देके उसे वहां से भगा दिया, मारने को तैयार हो गया। तो लड़की से उस लड़का ने कहा कि तुम्हारे बाप ने तो हमसे अपशब्द कहे हैं। तो लड़की बोली, पागल हो गए, क्या हुआ, पिताजी से बात हो गई? क्या हुआ, गया था तुम्हारे बाप के पास, चार लोगों के सामने धक्के देके भगा दिया मुझे, गालियां दी मुझे। जिंदगी में आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई जो गांव में मेरी तरफ आंख उठा के भी देखे, और तुम्हारे बाप ने, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे लिए मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करो, मेरे बाप को खत्म कर डालो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। सुनकर के लड़की बोली, तुम्हें शर्म ना आई, सुनकर के तूने गाली अपनी सूरत दिखाई। तुम मार दो मेरे बाप को, मैं कुछ न कहूंगी, जब तक जीऊंगी सदा तेरे साथ रहूंगी। सुनकर के रूखे शब्द को फौरन ही चल दिया, जिस जगह बाप लड़की का खेतों पे सो रखा, और अंधे होके प्यार में सीमा भी पार की।
सोते हुए बाप के फिर गोली मार दी। गोली मारा है गोली मार के लड़की से फिर मिला, जो कुछ था समाचार वो लड़की से कह दिया। जो तुम चाहती थी वही हो गया, मैंने तुम्हारे बाप का कत्ल कर दिया। अब एक काम करो, शाम को जितना भी पैसा हो जेवर हो लेके तुम मुझे बाहर मिलो, हम तुम यहाँ से निकल चलेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। देखो मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा, बिल्कुल भी देर मत करना। अगर जरा भी देर हो गई तो फिर जिंदगी में हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे। मैं चलता हूँ, किसी को खबर लग जाएगी। ठीक याद से है, बोली है बेहा अच्छा किया, आफत कट गई, घर से माल जेवर लेके फौरन भाग गई। घर घर में चर्चा आ किसी सब में ही चली गई, अरे बाप को मरा के वो लड़की थी भग गई। भागे हैं लोग लड़की को फिर घेर लिया है, छोड़ के लड़की को प्रेमी भाग दिया है, और बांध करके लड़की को लाठी से मार दी। ऐसा है, इस लड़की ने गांव की परंपरा तोड़ी है। इसके पिता ने जहां पर संबंध किया था, ये सभी पंचों का फैसला है कि इस लड़की को उसी जगह भेजा जाए। ये अपन लोगों की परंपरा है, ये फैसला सभी पंचों के बीच में और सोच समझ कर निर्णय लिया गया है। यह फैसला आखिरी फैसला है। हम सब लोगों का फर्ज है कि हम सभी लोग मिलकर इसकी उसी जगह शादी कर दें। जो पंचों की राय, घर में फिर ताले में डाल दी। गांव के लोगों ने घेर लिया, और जब गांव के लोगों ने घेर लिया तो प्रेमी तो वहां से निकल के भाग गया, लड़की को पकड़ करके बंद कर दिया किवाड़ों में। और बाप ने जहां शादी तय कर दी थी, गांव के लोगों ने, मोहल्ला परिवार के लोगों ने मिल करके गांव वालों ने कुछ और कर दिया। बारात को बुला के विवाह उसका कर दिया, छोड़ आस प्रेमी की ससुराल को गई, अब करके याद प्रेमी की मलिन हो गई। परिवार के लोगों ने जिस जगह बाप ने शादी तय कर दी थी, उस समय बारात को रातों रात बुलाया और लड़की के साथ ही विदा कर दी। उसके बाद नर नारी उसे देख के कहां ससुराल में जब पहुंच गई, नर नारी उसे देख के आपस में बतराने, अरे जिसका न दिल एक ठार पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठार पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठार पर वो। जिस समय गांव के लोगों ने, मोहल्ला परिवार के लोगों ने लड़की की शादी कर दी, और शादी करने के बाद साथ ही विदा कर दी। अब वो प्रेमी तो भाग गया था बाप का मर्डर करने के बाद। उसके बाद लड़का ने जब सुन लिया शादी उसकी हो गई, और हमें छोड़ करके ससुराल को गई, खाना भी छूट गया है, जीना मुश्किल हो गया, और भेष को बदल के फिर वो साधु हो गया, भीख मांगते ही मांगते उस घर में घुस गया, एक पर्चा दे के लड़की को पीछे ही मुड़ गया। बिल्कुल मजनू की तरह से भेष बदल करके लड़का लड़की के ससुराल में घुस गया, और पर्चा दे करके ससुराल में चला गया। और जब चला गया और ये कह गया कि तू उस जगह चली आना, और इधर
इन बातों में फुसला के नारी पत से कह रही, अरे चलेंगे बाजार दिल की बात कह रही। और देकर धोखा पत को नारी घर से ले गई, और जहां प्रेमी था वहां पास में गई। बैठा है जहां लड़का उसके इंतजार में, पागल था पापी बेबा के अंधे प्यार में। पति को फुसला करके लड़की जिस समय बाजार को ले गई, जहां प्रेमी इंतजार कर रहा था वहां पहुंच गई। और जब वहां पहुंच गई वो लड़की, उस बेबभा ने प्रेमी के फिर कान में कही, तुम मार दो मेरे पति को मानो बात ये सही। और मेरे तेरे बीच में दीवार बनेगा, टूटेगा मुझके टूटेगा मुझको जान से ये पीछे पड़ेगा। और सूर्य अस्त हो रहे, संध्या नजदीक थी, उस हत्यारे ने पत में बही गोली मारी। और पत को बही छोड़ के वो साथ भज गई, और पहले खाया बाप को या पत को खा गई। नारी जो बद चलन है भला किसकी भई है, पर नारी की ये धार भला किसने सही है। और पति को तड़फा के छोड़ को रम गई, और जिसकी हुई थी और जिसकी हुई शादी धोखा उसको दे गई। अब प्रेमी के साथ रह के किए काम मनमाने। प्रेम, अरे जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने। पहले तो उसी प्रेमी से अपने बाप को मरवा दिया, शादी हो गई तब उसी प्रेमी से अपने पति को मरवा करके लड़की चली गई। और जब जाकर के रहने लगी है दूसरे शहर में, वहां से निकल करके चलता चला गया शहर दूसरे गया, और भाड़े पे कमरा को लेके साथ में रहा। लड़की के साथ रहता अब तो भारी मौज थी, बिना शादी के मन चाही मिली नार थी। पी दारू दोनों जीवन के आनंद लेते थे, देखें फिल्म जीवन की बहार लेते थे। मौज ले रही थी लड़की, खर्चा भी आए भी थे, दौलत भी वो ले गई, पद भी दी आए भी थे, और मिलने वाले उसके आते वो भी आए भी थे, श्रृंगार कर रात दिन गहने भी आए भी थे। क्या था वेद का विधान, प्रेमी को चाहती थी तो पति को भी मरवा करके प्रेमी के साथ चली गई। क्षमा करें, मैं केवल आपको ये बताने जा रहे हैं कि बदचलन स्त्री कहां से कहां इंसान को पहुंचा सकती है। जो ले गए धन माल घर से ज्यादा ना चला, कुछ दिन के बाद हो गए धनवान खोखला। आखिर कहानी क्या कहे, मजबूरी कह रहे, कोई काम ना मिले फिर रिक्शा चला रहे। दर दर भटक गए हैं दोनों, भाड़ा ना रखा, यहां तक हुआ। और फिर भजनवान की दशा यही होती है। जिस समय वो लड़की, पहले तो वीआईपी खर्चा थे, क्योंकि घर से दौलत इतनी लेके गई थी, माल इतना लेके गई थी जो कोई चिंता ही नहीं थी। और बाद में फिर प्रेमी यहां तक हुआ कि जब कुछ नहीं रहा तो फिर रिक्शा चलाने पर उतर आए, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ा। दर दर भटक गए हैं वो, भाड़ा भी ना मिला, सेखी सना कत्ती दूर खाना ना मिला। एक लड़का नौजवान जो मालिक मकान का, जरा गौर करें,
लड़की ने जब देखा कि सब वीआईपी खर्चा थे वो तो सब दूर रह गए। अब तो न भोजन मिल रहा है, न समाज में सम्मान मिल रहा है, वस्त्र भी फटे पुराने हैं। इस प्रेमी की आस करके मैंने अपने पिता को पति को मरवा करके इसकी शरण ली, लेकिन आज इसके पास भी कुछ नहीं है। लेकिन माफ करें दोस्तों, मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही आया कि अगर जो पति को छोड़ करके और किसी से हित कर सकती है तो फिर तुम क्या हो उसके लिए। मेरा मतलब, एक लड़का नौजवान जो मालिक मकान का, सारा था पैसा हाथ में देवर दुकान का। जब उस लड़की ने देखा कि जिसकी हमने शरण ली आज वो तो रिक्शा चला रहा है, तो जो मालिक मकान का था उसे देख करके दिमाग में एक बात आई, सोचा उससे प्रेम मेरा यदि होता यहाँ पर, सोचा उसने प्रेम मेरा इससे यदि होता तो रानी बन के रहती, पैसा हाथ में होता। कहाँ फंस गई कांटों में उससे हिंद जो किया, मैं होती इसके साथ होता मेरा ये पिया। अब उस प्रेमी को भी भूल गई जिस प्रेमी से अपने पति को मरवा दिया, अपने पिता को मरवा दिया। अब उस मकान मालिक के पुत्र को निहार करके लड़की ने मन में यह विचार किया कि अगर इससे मेरा प्रेम हो जाता, इसकी मैं पत्नी बन जाती तो जिंदगी में चार चांद लग जाते। उस लड़का से कह रही है जादू डाल कर और बिना बात बोले वो उसको घेर कर, आखिर कहानी क्या कहे ब्रजेश खोल कर, फंस गया है वो लड़का उस लड़की को देख कर। मकान मालिक के पुत्र को भी अपने कब्जा में कर लिया, लेकिन दोस्तों बोला है लड़का बात सब तेरी हम माने, और जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने। मेरा मतलब, मकान मालिक के पुत्र को अपने कब्जा में कर लिया और इस भगवान की माया से बचा ही नहीं कोई। तो जिस समय उस मकान मालिक ने ये कहा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, कौन सा? बोला है लड़का बाप जिसके तुम रह लगी और उसको मार दीजे तुम मेरी हो गई। बोली है आज रात में मैं मार डालूंगी, हो के रहूंगी तेरे तेरे साथ जीऊंगी। युद्ध शाम को रिक्शा चला के घर आ गए, बिस्की बंडी छोटी लिया ले आए। वीआईपी खर्चा थे तब बात ही कुछ अलग थी, अब रिक्शा चला करके जैसे ही घर आए थोड़ी सी दारू पी के सो गए। और जब दारू पी के सो गए, लड़की ने देखा कि अब ये सो गया, भोजन करा के लड़की ने उसे सुला दिया है, रस्सी लेके हाथ में उसे बांध लिया है, गड़सा को लेके हाथ में छाती पे बन गई और गले का जो हार थी नागिन वो बन गई। जिस लड़का से अपने पिता को मरवा करके चली गई आज वो ही नागिन बन गई, अरे गले का जो हार थी नागिन वो बन गई। देखा है जब प्रेमी ने तो होश उड़ गए, दोनों ही हाथ पड़ के वो लड़की से जुड़ गए। मेरे ही पीछे तूने अपने बाप को मारा, मेरे ही पीछे तूने पत्ता छोड़ा सहारा। तो मुझे क्यों मारना चाहती,
मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने तो अपने सब कुछ तुम्हारे लिए बर्बाद कर दिया। देखो मेरी एक प्रार्थना है, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, फिर लौट के तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फिर ये फूल सा दिन पत्थर कैसे बन गया? मत मारो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा, तो बहुत दूर चला जाऊंगा। तेरी वजह से मैंने अपने बाप का कत्ल करवाया, तेरी वजह से मैंने अपने पति को मरवाया, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? पैसा खत्म तो पति भी खत्म। क्या भूल हुई हमसे मोकू मार रही है, क्यों धोखा दे रही, क्या तू नार नहीं है? बोली है बेहापत को जब मैं मरा सकती हूँ, तू कौन मेरा लगता क्या तुझे छोड़ सकती हूँ? बोला है लड़का छोड़ दे मैं भाग जाऊंगा, जब तक जीऊंगा लौट के मैं घर नहीं आऊंगा। विनती किया हजार वो लड़की ना रुकी, साले के हाथ सारा सरकार दिया, प्रेमी का वो तरस ना किया, अंधे कुआ में लाश को लेकर के डाल दिया। जिस पर किया विश्वास, जिस पर किया विश्वास धोखा दिया है पानी। अरे जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान के लिए कठोर पर वो प्रेम क्या जाने। देखिए औरत बदचलन, जिस प्रेमी के पीछे घर परिवार छोड़ दिया था, जिस प्रेमी के पीछे अपने पति को मरवा दिया था, आज अपने हाथ से ही धन के लालच में अपने प्रेमी का कत्ल अपने हाथ से कर दिया। उसके बाद मालिक जो था मकान का उसे कहा थे, बढ़ती चली गई और कहने लगी, मालिक जो था मकान का उस कहा है उसने, जिसके रही में साथ आज मारा है हमने। सुन कर के ऐसे शब्द तो फिर होश उड़ गए, लड़की से भटके नैन फिर पीछे को मुड़ गए। प्रेमी को खा गई है तू वो नार बेवफा, तू मुझको कैसे छोड़ेगी, भला मैंने क्या किया? उस बेवफा लड़की को तब कमरा में कर दिया, और लेके फोन लड़का ने थाने में कर दिया। करनी पे रो रही थी मैंने ये क्या किया, और जिसके पीछे सब कुछ छोड़ा उसको खा लिया। आई है पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार किया, और ये नहीं नारी कुन पति का पिया। आई है पुलिस फौरन उसे गिरफ्तार किया, ये नारी बेवफा है खून पति का पिया। बाद में दोस्तों बाहरी औरत का जाल जिस समय अपने प्रेमी को भी मार दिया, मकान मालिक ने उसे पुलिस से बंदी बना दिया, उसके बाद वो लड़की रो रही थी, पछता रही थी कि मैंने बुरा किया, इसलिए माफ करना दोस्तों, मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया। अरे प्रेम की हर बात को हर कोई क्या जाने, अरे जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिस कान दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने। दोस्तों बात चल रही है प्रेम के ऊपर, तो प्रेम तो एक प्रेम है, प्रेम में ना ही कोई नियम होता है, प्रेम अब मेरा मतलब है कि आ जाइए, प्रेम में कभी कभी धोखा भी हो जाता है। तो धोखा कैसे हो जाता है? एक लड़की का एक लड़का से बड़ा प्रेम था, प्रेम
है तो बड़ा प्रेम था। तो जब काफी दिन हो गए, लड़की को लड़का देखने के लिए नहीं मिला, तो उसने एक लेटर भेज दिया और उस लेटर में कुछ लिख दिया। क्या लिख दिया अवधेश? कह आई हो मेरे दिलदार। उस लड़की ने लिखा कह आई हो मेरे दिलदार, और मोए चैन तुम बिना नाई। आइयो मेरे दिलदार मोए चैन तुम बिना नाई। के आइयो मेरे दिलदार। लेटर, कौन सा लेटर? लव लेटर। हाँ, जब लिखा और ये कहा कि तुम हमारे पास चले आओ, हमें तुम्हारे बिना चैन नहीं आ रहा है। ना मिले दो चार दिन से और दिल मेरो घबरायो, पढ़ के प्रेम भरी वो पाती, प्रेमी भज के आओ के गाओ बिटिया के द्वार मोए चैन तुम बिना नाई। के रहियो मेरे दिलदार मोए चैन तुम बिना नाई। लड़की ने जब खत भेज दिया और ये कहा कि जब तुम मिलते नहीं हो तो ये आंगन भी मुझे खाने के लिए दौड़ता है, तुम मेरे पास चले आओ, और जो उनने चिट्ठी पढ़ी तो सीधे बाज में। और जब लड़की के घर पहुंचे और लड़की के जब घर पहुंचे हैं, बैठ के प्रेमी प्रेम का दोनों आपस में बतलाए। लल्लन, ऐसे वक्त पर वक्त नहीं मालूम पड़ता है कि कितना समय लग गया मुझे बैठे बैठे। अब वो प्रेमी प्रेमिका दोनों घर में, अब लड़की के घर में बैठे थे। बैठ के प्रेमी प्रेमिका दोनों आपस में बतलाए, याद रही ना उनको भैया की, याद रही ना उनको घर की, भैया लली के आए के हुई गाओ बंटा डार मोए चैन तुम बिना नाई। दोनों प्रेमी और प्रेमिका जब आपस में बैठ करके बतला रहे थे, तब तक अक्षमा तो लड़की का भाई आ गया। और जब लड़की का भाई आ गया तो लड़की के भैया को जब देखो वो लड़का ने, तो पैरों के तले धरती खिसक गई। सोचने लगे अब क्या करें। अब घिंगी सी बंध गई प्रेमी की, लीजो हमें बचाई, कर चाला की लड़की ने तब साड़ी दई पहनाई, दए ते चकिया पे बैठार मोए चैन तुम बिना नाई। दए है चकिया पे बैठार। जब लड़का ने उस लड़की से कहा कि हमें किसी तरीका से बचा लीजिए, तुम्हारा भाई आ गया अब हम क्या करें, तो लड़की बड़ी चालाक थी, धोती पहनाई और चकिया बैठा दे जगह, अब तुम चकिया फेरो। अब वे चकिया जब पीसन लगे तो भैया जो लड़की का था वो बैठा रहा घर में, रोटी खाई, रोटी खाए के बाद फिर वे पर रहे। अब वे मरे जा जो कितने घर घत निकले, अब मोह धाके चकिया फेर रहे। क्या था लव लेटर का अंजाम? अब भैया सोच रहे हो मन में, अरे सारी मक्का पीस लई है तो उगो नहीं भाई, फिर संकेत करो प्रेमी ने अब लीजो हमें बचाई, दए तूने चुलम गुजार मोए चैन तुम ना।
मका पीसवे के लिए जब बैठा दे, अब मक्का तो सब पीस ली लेकिन भैया लड़की का नहीं गया। और जब भैया ना आएगा सोई वे बोले अब से कछु करो काऊ तरीका से, अब तो हमें बचाए ला। जब लड़की से इशारो करो वो लड़का ने, तो लड़की बड़ी चालाक थी, बन एक काम और करो, धोती पहनाए के मोझा के तकिया पर तो बैठा रही थे। उसके बाद भाभी भाभी कह के लड़की पास में उनके आई, चलो तुम्हें घरे करिया बे हंस के यो बतलाई के लड़ी है तेरो भरतार मोहे चैन तुम्हें ना लाई। आगे आगे नंद चली पीछे चली भौजाई, कौन सी भौजाई, तो धोती पहनाई दी थी लड़का को। आगे आगे नंद चली है वे घूंघट में बड़े अगारी, साड़ी उतार भगे द्वारे से अब लौट के न देखे बिछारी, भले बच गए करतार मोहे न तुम नाना। इसलिए दोस्तों मत लिखना कोई लव लेटर को, मानो सीख हमारी, ओ बे बदनामी घर घर में लोग हंसेंगे ते तारी पड़े VIP मारू चैन तुम ना नाई के आई।